party. Mr. Pathak, please. Mr. Sandeep Pathak, don't act like this. Thank you very much. Thank you. Dr. Radha Mohan Das Agrawal. माननीय उपसभापति महोदय, मैं दिल्ली राजधानी राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने खड़ा हुआ। महोदय, इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कोई भी परिस्थिति हो सत्य बोलते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। एक वो जो हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी कभी मजबूरी में असत्य बोलते हैं, नरोवा हस्ती धर्मराज युधिष्ठिर। एक सामान्य नागरिक होते हैं जो मजबूरी में सत्य भी बोलते हैं, कभी कभी असत्य भी बोलते हैं। 2013 के बाद इस देश के राजनीतिक परिवेश में एक नया प्राणी उदय हुआ है जो गीता पर शपथ लेकर कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, झूठा ही बोलूँगा और झूठा ही बोलता रहूँगा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अध्यक्ष महोदय, 2014 में जब यह पार्टी सरकार में आई थी तो दिल्ली के व्यापारियों ने बड़े समर्पण भाव से इसका समर्थन किया था। दिल्ली के व्यापारियों के साथ इन्होंने एक बैठक की। बैठक में दिल्ली के व्यापारियों को कुछ सपने दिखाए। क्या थे वो सपने? हम रेडी टू यूज एंड शिफ्ट मार्केट बनाएंगे। 2014 एक भी मार्केट नहीं बना। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के सारे बाजारों को मॉडल बाजार बना देंगे। एक भी बाजार मॉडल नहीं बना। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बाजारों को, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग नहीं होती है, हम रिलोकेट करेंगे। एक भी बाजार रिलोकेट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बिजली का बिल कम करेंगे। सच्चाई यह है कि कमर्शियल का बिल दिल्ली में सारे अधिभार को छोड़ करके सबसे अधिक है, पूरे देश में सबसे अधिक है। 9 रुपए से लेकर के 14 रुपए तक का बिल देना पड़ता है। इन्होंने कहा हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली का विकास कराएंगे। 9 साल के इतिहास में अगर नितिन गडकरी न होते तो इन्होंने एक भी फ्लाईओवर दिल्ली में नहीं बनवाया है। इन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से कहा 10 मिनट की बारिश में आपके यहाँ पानी लगता है, हम इसका इलाज कर देंगे। आज की स्थिति यह है कि 10 मिनट तो दूर, 2 मिनट भी पानी बरस जाए तो पुरानी दिल्ली पानी में डूब जाती है। इन्होंने कहा कि हम आपके हाउस टैक्स को, चुप रहो, इन्होंने कहा कि हम हाउस टैक्स को कम करेंगे। सच्चाई क्या किया इन्होंने? कमर्शियल टैक्स को 3 गुना किया। और उपसभापति महोदय, यह अकेला राज्य है जहां व्यापारी कमर्शियल टैक्स भी देता है और अपने दुकान के सामने का कूड़ा उठाने के लिए 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का शुल्क भी अदा करता है। इन्होंने वादा किया था कि हम झोपड़ी झुग्गी वालों को पक्का मकान बना के देंगे। सच क्या है? भारत सरकार ने करोल बाग में 8000 मकान बनाए और शिफ्ट किया। जब इनको मालूम हो गया कि झोपड़ी झुक्के वाले इस पक्के मकानों में चले जाएंगे तो हम इनका शोषण करके इनका वोट नहीं ले पाएंगे, तब से लेकर आज तक इन्होंने भारत सरकार को दिल्ली में झोपड़ी झुग्गी के पक्के मकानों बनाने के लिए एनओसी तक नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली के 351 सड़कों को रेजिडेंशियल की जगह पर कमर्शियल परमिशन देंगे। सच यह है कि आज 9 साल हो गया, एक भी सड़क को इन्होंने रेजिडेंशियल से कमर्शियल में बदलने का काम नहीं किया। जब अभी चुनाव हो रहा था एमसीडी का, एक मुख्यमंत्री गाजीपुर के पहाड़ पर जाता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई पर चढ़ता है, कहता है दिल्ली कूड़े से डूबी हुई है, एमसीडी हमको दे दो, हम दिल्ली से कूड़ा खत्म कर देंगे। और सच्चाई क्या है? बजट में व्यवस्था करने के बाद कितनी क्रूर है यह दिल्ली सरकार। इसने अपने ही एमसीडी के लोगों से कहा हमने बजट में व्यवस्था की होगी, लेकिन जो व्यवस्था 850 रुपए करोड़ की कूड़े को हटाने के लिए की है वो हम तुमको नहीं देंगे। अपने ही सरकार को इन्होंने पैसा नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि दिल्ली में व्यापारिक विस्तार करने के लिए हम झोपड़ी और हम ट्रेड फेयर लगाने का काम करेंगे। दिल्ली के व्यापारी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई ट्रेड फेयर लगाने का काम ये लोग कर सकें। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लाएंगे। 700 करोड़ रुपया खर्च करना था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा
विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च करने वाली ये सरकार दिल्ली के यातायात पर 700 करोड़ रुपए तक नहीं खर्च कर पाई। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस प्रकार से दिल्ली के लोगों को धोखा दिया तो किया क्या। मैं बैठा था कोपू की बैठक में, अमर पटनायक जी हमारे मेंबर थे, उन्होंने कहा जल्दी जाइए, दिल्ली डूब रही है, पानी लग गया। मैं उठ करके भागा, मैं वेस्टर्न कोर्ट में रहता हूँ, वहां पहुंचा, वेस्टर्न कोर्ट में पीने के लिए पानी नहीं था। मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोला वजीरपुर सेंटर डूब गया, इसलिए पूरे दिल्ली को पीने का पानी नहीं मिलेगा। कैसी शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी। पहली बार अध्यक्ष महोदय 2019 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और दिल्ली में कोई भी बाढ़ नहीं आई थी। इस साल सिर्फ 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई। इसलिए डूब गई कि इन्होंने काम भी नहीं किया। 2 साल तक सिंचाई विभाग की बोर्ड की इन्होंने बैठक नहीं की। बैठक की डेट तय की, दिल्ली ने मुख्यमंत्री ने आने का वादा किया, मुख्यमंत्री गायब हो गया, दूसरी महिला मंत्री पहुंची, वो भी गायब हो गई। आज तक इन्होंने दिल्ली को यमुना के बाढ़ से रोकने के लिए 9 साल की सरकार हो गई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। इन्होंने किया क्या, परिवहन बस घोटाला किया। इन्होंने किया क्या, उपराज्यपाल ने अभी 437 लोगों को निकाला है। कोई सलाहकार था, कोई रिसर्च फेलो था, कोई विशेषज्ञ था, कोई रिसर्च एसोसिएट था, कोई कंसल्टेंट था, और वास्तव में क्या था, कोई किसी विधायक का आसपास का था, उसका भाई था, कोई किसी मंत्री का रिश्तेदार था, कोई आप पार्टी का कहीं का कन्वेनर था। ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने आरक्षण के सारे नियमों को धता बताते हुए बिना प्रॉपर तरीके से 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक रुपए तक की मासिक वेतन पर रखने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के 150 ऐसे चौराहे हैं अध्यक्ष उपसभापति महोदय, जहां अगर आप जाएंगे तो आदमी अपने हाथ में तख्ती लेकर खड़ा रहता है दिल्ली के सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए। एक एक चौराहे पे 4-4 आदमी, उनको तनख्वाह दी जाती है 20,000, लेकिन चेक से दिया जाता है 4,000। ये 16,000 रुपया ये लोग उसको कहां से पैसा लाके देते हैं, शायद ये अगर बताते, शायद अगर ये बताते तो बहुत बेहतर होता। और अध्यक्ष महोदय, जिसका सबसे बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, अभी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इनके स्वास्थ्य मंत्री के साथ अभी वो एक मोहल्ला क्लिनिक देखने गए थे। देखने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आज भी उस मंत्री के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। और क्या लिखा उन्होंने, विजिटेड ए मोहल्ला क्लिनिक इन दिल्ली विद हार्डली एनी पीपुल देयर, एक आदमी भी वहां नहीं था। आवर क्लिनिक इन कर्नाटका है मोर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लेबोरेटरीज टू बी इमीडिएटली टेस्टेड, यानी वहां पर हमारे कर्नाटक में ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो तुरंत जांच कर लेते हैं। और आगे क्या लिखा, आई गेस इट इज ए ओवर हाइप्ड स्टैंड एंड आई कम बैक फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यानी इन लोगों ने छोड़िए उन्हें मैडम, यानी नो कमेंट, उन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने सिर्फ शब्द बयानी की है, झूठ बोला है, मुझे तो यहां से बहुत निराश होकर जाना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, जब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे थे, तो अभी तो जुमा 1 महीना उनको आए हुआ है, वो भारत के कर्नाटक की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, अभी माननीय सिंधवी साहब यहाँ बोल रहे थे और हमसे बता रहे थे मार्गदर्शक मंडल की बातों को मानो, थोड़ी भी शर्म होती। आज अगर ऊपर कहीं सचमुच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बात सुनते होंगे तो शर्म के मारे उनकी आंखें डूब जाती होंगी। इस सदन को यह जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड क्या था। अभी तिरुचि शिवा साहब चले गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा कर रहे थे। इस सदन को जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या स्टैंड था।
संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक निर्णय आया पट्टा भी सीतारमैया कमेटी का। नेहरू जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने संविधान सभा की बैठक में जाकर कहा, अरे ये क्या बना के लाए हो, दो साल में दुनिया बदल गई, दिल्ली की आधी से तीन चौथाई संपत्ति भारत सरकार की होती है, हम दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा कैसे दे सकते हैं। ये नेहरू जी की बात कह रहा हूं, अगर किसी सदस्य के अंदर हैसियत होगा तो मैं नाम लेकर कह रहा हूं, चुनौती देने के लिए वो खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की बात इन्होंने कहा, अंबेडकर ने कहा, सो फार एज दिल्ली इज कंसर्न, इट इज बेटर टू अस दैट एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया इट कैन हार्डली बी प्लेस्ड अंडर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थात जहां तक राजधानी का सवाल है, दिल्ली को स्थानीय प्रशासन के हाथ में कतई नहीं दिया जा सकता। यूएस कांग्रेस का पूरा नियंत्रण यूएस की राजधानी वाशिंगटन पर होता है, इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का पूरा नियंत्रण कैनबेरा के ऊपर होता है। इस बात का कोई आधार नहीं है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी देश की राजधानी में कोई शहर हो उसे सीधे सीधे देश की राजधानी के नियंत्रण में रखा जाए। और अध्यक्ष महोदय हुआ क्या, 1952 में सरकार बनी थी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहली बार मंत्री बने थे और उसके बाद गुरुमुख निहाल सिंह जी आए थे, कितने दिन वो रह पाए। नेहरू जी जानते थे जो हो गया है बहुत गलत हो गया है, उन्होंने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई फजल अली की, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया, बड़ी लंबी लंबी रिपोर्ट सिंधवी जी पढ़ रहे थे, एक छोटी सी रिपोर्ट मैं भी पढ़ देता हूँ, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की मीटिंग में इस कमेटी ने दिल्ली के बारे में कहा, इन फ्रांस फॉर एग्जाम्पल देर इज ए ग्रेटर डिग्री ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर पेरिस दैन ओवर अदर म्यूनिसपैलिटीज, इन इंग्लैंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेट्रोपोलिटन एरिया आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ होम सेक्रेटरी हु डज नॉट एक्सरसाइज सिमिलर पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर म्यूनिसिपल अपार्ट एरिया अपार्ट फ्रॉम द रीजन विच आर पेक्यूलर टू ईच कंट्री आर सिटी देर आर सम जनरल कंसिडरेशन नेसेसिटेटिंग स्पेशल अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल कैपिटल कैपिटल सिटीज पजेस आर कम टू पजेस सम डिग्री ऑफ पोलिटिकल एंड सोशल प्रिडामिनेंस दे आर सीट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट their seat of national government any constitutional division of the power if it is applicable to the unit functioning in the seats of national government it is bound to give rise to embarrassing situation। aur 1956 ki is report ko aane ke baad hum aabhari honge is desh ke pradhanmantri ka chahe jo bhi naam unhone apni hi party ke mukhyamantri ko hata diya delhi ki vidhan sabha ko bhang kar diya aur delhi ko punah union territory bana diya। अध्यक्ष महोदय चर्चा हो रही थी 1991 के विधेयक की, क्या है यह विधेयक, मेरे हाथ में वो कागज है, जिन बातों की चर्चा माननीय विजय साई रेड्डी जी ने की मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, धारा 3 सब क्लास 3 के ABC को मैं तीसरे पर आता हूं, जिसकी चर्चा सिंधवी साहब ने की थी यहां नहीं, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर गिविंग इफेक्ट टू आर सप्लीमेंटिंग The provision contained in the foregoing clauses and for all matter incidental or consequential thereof। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय सभापति महोदय वास्तव में ये जो विधेयक आया है वह दिल्ली के निवर्तमान विधेयक को सप्लीमेंट करने के लिए आया है। क्या प्राविधान है, 9 साल ये सरकार रहे, इन्हें मालूम था कि एंट्री 41 होती है, इन्हें मालूम था कि एंट्री 41 में लिखा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस का मिशन, इन्हें मालूम था कि इनके सरकार में आने से लेकर 9 सालों तक दिल्ली में कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी काम करते हैं। अगर ये प्रशासन चलाना सचमुच चाहते, साई रेड्डी साहब ने सही कहा, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, अगर ये सचमुच चलाना चाहते सभापति महोदय तो इन्होंने 2014 में ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना लिया होता और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली होती। सच क्या है महोदय, यह कानून स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करता है, आर्टिकल 41 को जमीनी धरातल पर लागू करता है और लिखता है दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र में समूर ख अराजपत्रित
और समूह ग पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती अभिकरण दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वास्तव में यह विधेयक दिल्ली सरकार को इम्पावर करने वाला विधेयक है। मैं अब अपनी बातें खत्म करूंगा। आपने विपक्ष के नेता को सुना है, बड़े दिन बाद बहस हो रही है और अच्छी बहस हो रही है। थोड़ा देर हमको भी, जैसे उन्हें बोलने दिया मुझको भी बोलने ने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये लोग कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं। क्या है कोर्ट का निर्णय, पढ़ा है किसी ने? कोर्ट के निर्णय के दो हिस्से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एक हिस्सा कहता है, ये लिखित निर्णय है मेरे पास, ये पूरी किताब है कोर्ट के निर्णय की, मैं शब्दों को साहित्य के आधार पर बोल रहा हूं। कोर्ट का निर्णय कहता है, द पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ओवर ऑल द मैटर्स इन द लिस्ट टू एंड द लिस्ट थ्री इन रिलेशन टू द एनसीटीडी इंक्लूडिंग द एंट्रीज व्हिच हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द लेजिस्लेटिव डोमेन। बस मैं समाप्त कर रहा हूं। और अंतिम बात क्या कहा कोर्ट ने, ये लोग ले दही दे दही वाले हैं। कैसे? अंतिम लाइन सबसे, आप तो विधि विशेषज्ञ हैं, आपसे अधिक कौन जानता है हुजूर? उन्होंने कहा, वी हैव एंसर्ड द इशू रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। हमको एक इशू रेफर किया गया है, हमने उसका जवाब दे दिया बाय द ऑर्डर डेटेड 6 मई 2022। 6 मई 2022 को हमें एक इशू रेफर किया गया था, हमने उसका जवाब दे दिया। द रजिस्ट्री शैल प्लेस द पेपर ऑफ दिस अपील बिफोर द रेगुलर बेंच फॉर डिस्पोजल। यानी डिस्पोजल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय को, आप जानते हैं सभापति महोदय, इसे रेगुलर बेंच में जाना था और वहां का निर्णय आना था, लेकिन यह रात में अधिकारियों के घर में घुसना, उनके यहाँ लाठी पोठी चलाना, अधिकारियों को मारना, सतर्कता विभाग के कागज निकालना। मैं खाली एक चीज जानना चाहता हूँ, उन कागजों में था क्या जिसको ये निकाल के लाना चाहते? मैं धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को। अध्यक्ष महोदय, खुल चुकी है इनकी कलियत, जान चुके हैं दिल्ली के लोग, और आने दीजिए लोकसभा का चुनाव। ये दो मिल गए हैं जो आपस में ना, ये हमको समझाना चाहते हैं आत्मा की आवाज। ये हम भाजपा के लोग हैं, सिद्धांत से जीते हैं, आपकी तरह अवसरवादी नहीं है कि कल एक दूसरे को गाली देते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है। नेहरू जी जब सुनते होंगे कि ये हमारे पर नाती महोदय हमारी पार्टी को डुबा करके ही मानेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। डॉक्टर के केशव राव। डॉक्टर के केशव राव।